डॉक्टर.com इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों, आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि डॉक्टर.com इस कार्यक्रम में आज शहर के जाने माने डॉक्टर की टीम यहां पे आई हुई है, जो कि दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले राष्ट्र संत तुकड़े जी महाराज कैंसर रीजनल अस्पताल के डॉक्टर है, जो मरीजों की लगातार सेवाएँ दे रहे हैं। कई मरीजों को उन्होंने अच्छा भी किया है। कैंसर एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर में अभी हमने थोड़ी देर पहले में डॉक्टर बी के शर्मा हो या आर.बी. रणदीवे हो या हो फिर डॉक्टर करतार सिंह आदि डॉक्टर से बातचीत की। अब हम फिर से एक बार आज के हमारे जो मेहमान हैं, मैं आपको हमारी ये परंपरा है कि आए हुए मेहमानों का हम परिचय करवाते हैं। सप्रे साहब है, डॉक्टर एच.बी. सप्रे साहब जो हेड एंड नेक विभाग के प्रमुख हैं, और उन्हीं के बगल में जो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आप डॉक्टर श्रीराम काने साहब, जो सलाहकार चिकित्सा ऑन्कोलॉजिस्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजी RST कैंसर अस्पताल में हैं, और जो मेरे दाई और आप जो दिखाई दे रहे हैं वे है डॉक्टर प्रफुल्ल चहांदे साहब, जो सर्जरी विभाग के सलाहकार शल्य चिकित्सक है। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको रीजनल अस्पताल के बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से ये जो अस्पताल का निर्माण कैसे किया गया था राष्ट्र संत तुकड़े जी महाराज की, इसके पीछे की मंशा क्या थी और आज उसका कितना फायदा इस समाज को, इस देश को हो रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि भारतवर्ष में तकरीबन 33 कैंसर के अस्पताल है, उन्हीं में से एक है नागपुर का राष्ट्र संत तुकड़े जी महाराज कैंसर अस्पताल, जहां दूर दराज से कई लोग आते हैं, रोते हुए जरूर आते हैं कैंसर के मरीज, लेकिन जब इलाज करके जाते तो उनके चेहरे में हंसी होती है, एक मुस्कान होती है, और इसी को अपना धर्म, अपना इबादत, अपनी पूजा अर्चना समझने वाले आज डॉक्टर की टीम आई हुई है। तो चलिए हम सीधा रुख करते उन्हीं के पास और उनसे पूछते हैं कुछ आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उस सवाल के देंगे डॉक्टर साहब जवाब। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं डॉक्टर एच.बी. सप्रे साहब से। सप्रे साहब के बारे में यदि बताया जाए तो सप्रे साहब मुंह के कैंसर के स्पेशलिस्ट है। अब तक के इन्होंने कई ऐसे मरीजों को निजात दिलाई है, उनका दिल जीता है, उनके कैंसर पे उन्होंने काफ़ी अच्छा कामकाज किया है। तो सप्रे साहब ये बताएं कि मुंह का कैंसर क्या है और मुंह के कैंसर के प्रमुख लक्षण क्या है, क्या कारण होता है और मुँह का कैंसर आखिर होता क्यों है? मुंह कैंसर के यानी मैं पहले बता दूं कि उसे हम ओरल कैविटी कैंसर कहते हैं, और शास्त्र के दृष्टि से ओरल कैविटी की परिभाषा क्या है वो भी मैं बता दूं। ओरल कैविटी कैंसर है ना, हमारे होंठ के जो कैंसर है वो उसमें आते हैं, फिर दूसरा जिसको हम गाल बोलते हैं बकल म्यूकोसा, तीसरा जो नीचे की हड्डी होती है लोअर एल्वियस या मैंडिबल, फिर उसके बाद टंग यानी जो जीभ रहती है उसका सामने का भाग, फ्लोर ऑफ माउथ और हार्ड पैलेट, और एक भाग आता है जिसको हम रिट्रोमोलर ट्राइगोन कहते हैं। तो इस यहाँ पे जो कैंसर पाए जाते हैं उनको हम मुंह का कैंसर या ओरल कैविटी कैंसर कहते हैं। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कैंसर भारत में जो होते हैं वो ओरल कैविटी कैंसर के होते हैं। उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तंबाकू सेवन बहुत कॉमन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना कॉमन है कि 16 साल से लेके तो 80 साल के यानी जो अभी यंग एज के लोग हैं वहाँ से लेके तो जो बूढ़े बुजुर्ग या मैं पंजोबा कहूँ वो सबके सभी वहाँ पे दिखाई देते हैं। और ये कैंसर ओरल कैविटी का कैंसर तंबाकू से होता है, क्योंकि आप देखिए अगर आपने तंबाकू हाथ में पकड़ा तो आप ऐसा मुंह के अंदर डालते हैं, इसलिए जो मैक्सिमम कैंसर है हमारे यहाँ तंबाकू से होते हैं। और क्योंकि तंबाकू का सेवन सबसे ज़्यादा किया जाता है इसलिए हमारे यहाँ पर ओरल कैविटी कैंसर सबसे कॉमन है, और कारण मैंने बताया तंबाकू का सेवन ये ओरल कैविटी कैंसर। बिल्कुल, यानी तंबाकू कितना जानलेवा है इससे ये बात तो साफ होती है, तंबाकू खाने से और स्मोकिंग करने से भी क्या इसका असर होता है सर? हाँ, स्मोकिंग में भी टोबैको कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि टोबैको रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब के सब हमारे भारत में कैंसर के लिए बहुत कॉमन है। स्मोकिंग से लंग कैंसर होता होगा वो विषय और अलग है, लेकिन स्मोकिंग से भी कैंसर होता है। बिल्कुल, भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, स्वस्थ सुंदर शरीर देने के बावजूद यदि हम खर्रा खाते हैं, गुटखा खाते हैं या फिर किसी पान मसाला की जो चीज़ें खाते हैं या फिर तंबाकू का सेवन करते हैं, तो यकीनन हमें भी ओरल कैविटी का कैंसर यानी मुंह का कैंसर हो सकता है। यदि इसकी रोकथाम करना है तो आपने आज से ही तंबाकू या अन्य ऐसी जो नशीले जिसे पदार्थ कहते हैं अमली पदार्थ भी ये पार्ट आता है, तो इसको छोड़ना बेहद ज़रूरी है। काफ़ी अच्छी जानकारी बीके डॉक्टर एच.बी. सप्रे साहब ने दी है। अब हम फिर से एक बार रुख करना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ में डॉक्टर श्रीराम काने साहब भी जुड़ चुके हैं। काने साहब ये बताइए कि कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी यानी जो कैंसर का जो इलाज रहता है वो दवाइयों के जरिए करना। जी,
अगर हम कैंसर के इलाज का ओवरऑल स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें तीन जो मेजर अपने पास हथियार है कैंसर से लड़ने के लिए, एक है सर्जरी जी, दूसरा है रेडिएशन यानी उसको लाइट से ट्रीट करना जी, और तीसरा है कीमोथेरेपी यानी दवाइयों से कैंसर के ऊपर अटैक करना। तो ये जो दवाइयों से जो कैंसर के ऊपर अटैक करने की जो प्रोसेस है उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर ये जो ड्रग्स है ये अभी तक का ऐसा चलन था कि ये ज़्यादातर हम इंट्रावीनसली या सलाइन में मिला के ये दवाइयों का पेशेंट के ऊपर प्रयोग करते थे, लेकिन पिछले कुछ साल में हम ये देख रहे हैं कि कीमोथेरेपी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। अभी जो कीमोथेरेपी पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहती थी तो अभी हम टारगेटेड कीमोथेरेपी के ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। तो कीमोथेरेपी यानी दवाइयों से कैंसर का इलाज करना, और जब कभी भी हम ये डिसीजन लेते हैं कि कौन से पेशेंट को क्या दवाइयाँ देना है या क्या किस टाइप से उसकी ट्रीटमेंट करना है, तो ये हम ट्यूमर बोर्ड में डिसाइड करते हैं कि जहाँ पे सर्जन, रेडिएशन स्पेशलिस्ट जी और कीमोथेरेपी, ये तीनों एक साथ बैठ के हर एक पेशेंट को किस ढंग से ट्रीटमेंट देना ये हम डिसाइड करते हैं। सर, कीमोथेरेपी देना एक अपने आप में बड़ा काम होता है, लेकिन जब कीमोथेरेपी देते हैं तो वो जो मरीज होता है उसको उसको कोई नुकसान तो नहीं होता है? कीमोथेरेपी जो पहले से जो चालू है, जो ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी है जी, उसमें एक मेन प्रॉब्लम यह रहता है कि कैंसर के सेल को तो वो अटैक करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो शरीर के नॉर्मल सेल्स हैं उसको भी अटैक करता है, तो उसके कारण उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का इवेल्युएशन अच्छे से किया जाए, पूरी प्रिकॉशन से कीमोथेरेपी दी जाए, तो कीमोथेरेपी एब्सोल्युटली सेफ है। जो कुछ भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स है वो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, और वो पहले से ही अगर अपन प्रिकॉशन लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स का जो ओवरऑल इंसिडेंस है वो बहुत कम होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम आजकल टारगेटेड थेरेपी के बारे में बोलते हैं, तो टारगेटेड थेरेपी का मतलब ये है कि जो दवाइयाँ हैं वो सिर्फ कैंसर सेल को ही अटैक करेंगी, उसमें नॉर्मल सेल्स को कोई उसके ऊपर इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सो ये जो अभी नए टाइप के जो ड्रग्स है वो काफ़ी सेफ है, जो स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी साइकिल से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसके प्रमाण में ये जो टारगेटेड थेरेपी है उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम या निग्लिजिबल है। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से डॉक्टर श्रीराम काने साहब ने बताया कि जैसे कि सर्जरी हो, रेडिएशन हो या कीमोथेरेपी से कैंसर का इलाज किया जाता है, और काफ़ी अच्छी बात आपने जानकारी दी, तो ये बताया कि दवाई से कैंसर का इलाज होता है। तो इसीलिए दर्शकों, अगर आपके घर में अगर कोई इस प्रकार का यदि पेशेंट है, अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, और कैंसर का निदान भी होता है बशर्ते आपको राष्ट्र संत तुकड़ी महाराज कैंसर अस्पताल में आना होगा। लेकिन जहाँ तक हो आने का आना ही नहीं चाहिए ऐसा हम सबको लगता है, लेकिन क्या करें, यदि आप तंबाकू और बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे, तो आपको आना ही होगा। अब आना है नहीं आना ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। अब मैं सीधा रुक करना चाहूँगा, इस समय हमारे साथ में डॉक्टर प्रफुल्ल चांदी जी है जो कि शल्य चिकित्सक है, और उनसे भी जानना चाहेंगे। और सर का जो है स्तन कैंसर के जो मरीज आते हैं उनका निदान आप करते, तो सर सबसे पहले ये बताइए प्रफुल्ल जी कि स्तन कैंसर होता क्या है? मेरे सर ये जो सवाल है बहुत सही सवाल है कि स्तन कैंसर होता क्या है जी। ये जो स्तन कैंसर है ये महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, सबसे ज़्यादा मात्रा में महिलाओं में पाए जाने वाला ये कैंसर है जी। और ये जो स्तन कैंसर है ये कोई कीटाणु से नहीं होता, ये कोई विषाणु से नहीं होता जी, ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, ये महिला के स्तन की जो कोशिकाएं है, जो सेल्स है, उसकी अनियंत्रित बढ़त यानि स्तन कैंसर है जी। और तो सर इसको पहले चरण में कैसे पहचाना जाता है कि तो इसके लक्षण क्या है? इसके जो लक्षण है स्तन कैंसर के बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है।
मुख्य तौर से स्तन में न दुखने वाली गांठ या बगल में न दुखने वाली गांठ जी, और न दुखना ही गांठ के तरफ ध्यान न देने का मेन कारण है, क्योंकि कैंसर की स्तन के अंदर की गांठ कभी दर्द नहीं करती, तकलीफ नहीं करती। दूसरा जो लक्षण है, निप्पल से लाल रंग का स्त्राव आना या निप्पल का अंदर की ओर खींचा जाना, निप्पल और उसके बाजू में एक्जिमा जैसा न खुजाने वाला सफेद दाग आना, इसके अलावा स्तन की चमड़ी मोटी होना, स्तन की चमड़ी कड़क होना, स्तन पे घाव या फोड़ा बनना, ये सब स्तन कैंसर के लक्षण है। लेकिन सबसे प्रमुख लक्षण है स्तन में या कांख में न दुखने वाली गांठ आना। जहाँ स्तन कैंसर के चांदे साहब, जैसे कि आपने बात बताई है, तो इसकी कोई उम्र होती है कि कौन सी उम्र वाले लोगों को ये रोग पाया जाता है? मेरे सर ऐसा है, स्तन कैंसर से कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। 18 साल से 80 साल तक किसी को भी, कोई भी महिला को कैंसर हो सकता है, और इसका प्रमाण इतना ज़्यादा है कि हर 30 महिला में से एक महिला को उसके जीवन काल में स्तन कैंसर होने का खतरा बना रहता है। तो फिर सर इसकी प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं? देखिए, स्तन कैंसर प्रिवेंटेबल नहीं है, उसके ऊपर प्रतिबंधात्मक उपाय नहीं है, जल्द पहचान ही उसका अच्छा इलाज है। जल्द पहचान होगी, फर्स्ट स्टेज में पहचान होगी, सेकंड स्टेज में पहचान होगी, तो स्तन कैंसर 95-96% पूरी तरह से ठीक होता है। बिल्कुल, स्तन कैंसर ठीक होता है, बशर्ते अगर आप में से किसी हमारी बहनों को इस प्रकार की यदि कोई तकलीफ है, कोई दर्शक महिलाओं को कुछ इस प्रकार की तकलीफ है, तो आपने समय के चलते ही इलाज करना बेहद ज़रूरी है, वरना ये जानलेवा भी हो सकता है। और जान बचाने का काम ये डॉक्टर की टीम दिन रात काम कर रही है, जैसे कि श्रीराम काने साहब है, अपने सप्रे साहब जी है, और प्रफुल्ल चांदी जी है, ये दिन रात कामकाज कर रहे हैं। और जो मैं आपको रेशो बता देता हूँ कैंसर की, कि जैसे ओरल जो कैंसर होता है उसका जो अगर रेशो देखा जाए तो 35% है, और स्तन कैंसर जो है 28, सर चांदी साहब, स्तन कैंसर जो है 28% जो बताया था, 28% उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है, और जहाँ गर्भाशय की बात हुई तो 15% में आ चुका है ये कैंसर। अब इस कैंसर को जड़ से हटाना है या इसको पनपने देना है, ये तो आपके मेरे सर आप सही बोल रहे हैं। स्तन कैंसर ने गर्भाशय के कैंसर को पीछे छोड़ा है, 2 नंबर पे गर्भाशय कैंसर गया है, टॉप पे स्तन कैंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये काफ़ी चिंता का विषय है। लेकिन जब हमारे शहर में, इस देश में हमारे ऐसे नौजवान साथी, हमारे डॉक्टर की जब टीम कामकाज करती है, तो कैंसर हो या कोरोना हो, इनको हम हटा सकते हैं, बशर्ते हमें मजबूत रहना होगा और समय के चलते इलाज करना होगा। यही समय की मांग है। हम जहानदे साहब से हमने बात किया, काफ़ी अच्छी प्रफुल्ल जहानदे साहब ने हमें जानकारी दी। फिर से हम एक बार रुक करना चाहेंगे सप्रे साहब के पास, कि कैंसर जो रोगी है सर, उसके क्या उपचार की क्या प्रक्रिया क्या होती है? और कैंसर के जो पेशेंट आते हैं तो सर काफी दिन दुखी लगते हैं, मगर जब वे आपसे के पास से जाते हैं इलाज करते हैं, तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, क्या आप उसको सही धर्म या सही भगवान की इबादत पूजा अर्चना समझते हो? देखिए, अभी जैसे आपने बताया कि कैंसर का, मुंह के जो कैंसर है उसको इलाज करने के 3 तरीके हैं। मुंह के कैंसर को इलाज करने के 3 तरीके हैं। एक पहले ऑपरेशन है, दूसरा रेडियोथेरेपी है, और तीसरा कीमोथेरेपी जी। तो जैसे प्रफुल्ल चांदे साहब ने बताया कि अगर कैंसर का पेशेंट जल्दी स्टेज में आता है तो वो इलाज करके फ़ायदा होता है। मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल, मुझे कभी भी लगता है कि हेल्थ सेक्टर के बारे में हम सब लोग बहुत उदासीन है। नॉर्मली हमारा जो पेशेंट आता है, बताया था साहब 4 महीने से फोड़ा है, 3 महीने से गांठ है, 2 महीने से खाना नहीं जा रहा है। मेरा एक सिंपल रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज़, मैं थोड़ा हट के बता रहा हूँ, अगर आपको 15 दिन के ऊपर है, सादी सर्दी भी लग रही होगी, तो आप उस पर घर पे बैठ के इलाज मत कीजिए। थोड़ा सा पैसा खर्चा कीजिए, 500-1000 रुपये, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं देखता हूँ लोग ब्रांडेड जूते पे 4000 रुपये खर्चा करते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं 2000 रुपये खर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं कैसा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे
तो कोई भी बीमारी पकड़ में आ जाती है। और अगर आप पहले स्टेज में आते हो तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी से आप ठीक हो सकते हो। और जैसे साहब ने बताया, जितनी खुशी पेशेंट को होती, मैं एक बात बता दूँ, वी आर प्रोफेशनल्स, जितनी खुशी पेशेंट को होती है उससे ज़्यादा मुझे खुशी होती है, क्योंकि अगर मुझे मेरे काम का फल मिलता है तो मुझे भी बड़ी खुशी। आपने कहा ये मेरा धर्म है, मैं पेशेंट को भगवान मानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे कर्म से अगर पेशेंट अच्छा होता होगा तो मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी सर ने दिया है, क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, मगर इन्होंने तो मरीज को ही भगवान कहा है। और भगवान की जो सेवाएं करता है, जो उनकी इबादत करता है, वो एक भगत होता है। और भगत के तौर पर क्यों ना हो, लेकिन जो कामकाज करते हैं और जब पेशेंट अच्छा होके जाता है तो जितनी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट और उसको जो सुकून मिलता है, उसको जो आनंद आता है, या वो जो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होता है, उससे कई गुना अधिक अच्छा जो है डॉक्टर लोगों का आता है। क्योंकि डॉक्टर ये हमारे देश का एक ऐसा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो दिन रात काम करता है। इसलिए मैं शहर के तमाम डॉक्टरों को, और ऐसे सप्रे साहब, डॉक्टर प्रफुल्ल चांदे साहब, डॉक्टर बी के शर्मा साहब, रणदीवे साहब हो, डॉक्टर करतार सिंह साहब हो, या डॉक्टर श्रीराम काने साहब हो, इनको मैं जरूर हमारे BCN के दर्शकों की ओर से सलाम करना चाहता हूँ। और फिर से एक बार मैं काने साहब आपके पास भी आना चाहता हूँ। काने साहब, ये बताइए कि जिस तरह से कीमोथेरेपी के बारे में आपने जानकारी दी, तो कीमोथेरेपी अक्सर कौन कौन से कैंसर के लिए दी जाती है, ये मेरा पहला सवाल था। और क्या ब्लड कैंसर में कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है? जैसे मैंने बताया कि ये जो तीन अलग अलग मेथड्स है कैंसर ट्रीटमेंट के, जी, सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, ये बैठ के हम डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट को क्या मिलना चाहिए। जैसे चांदे साहब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बोलते थे, तो बहुत सारे पेशेंट को ऑपरेशन और रेडिएशन के बाद कीमोथेरेपी की जरूरत लगती है। जी, आजकल तो ऐसा जो डेवलपमेंट्स नई जो हुई है, तो ऑलमोस्ट हर एक कैंसर में, हर एक तो नहीं बोल सकते, 90-95% कैंसर में कीमोथेरेपी कुछ ना कुछ तो भी रोल प्ले करती है। और जैसे हम देख रहे हैं कि हर महीने में कुछ ना कुछ तो भी नई दवाइयां आ रही हैं, स्पेशली जो टारगेटेड थेरेपी की जो ये हैं। तो जो पहले पेशेंट हम सोचते थे कि इसको कीमोथेरेपी काम नहीं करेगी, इसमें कीमोथेरेपी का कोई रोल नहीं है, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि इतनी नई दवाइयाँ आई हैं कि ऑलमोस्ट हर एक कैंसर में कीमोथेरेपी का कुछ ना कुछ तो भी रोल है। जी, जैसे आप मुझे पूछ रहे थे कि ब्लड कैंसर के बारे में, जी जी, तो ब्लड कैंसर ये ऐसी बीमारी है कि जो कीमोथेरेपी को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं। जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लड कैंसर में दो प्रकार हैं। एक तो जिसको हम एक्यूट ब्लड कैंसर बोलते हैं, कि जो बहुत फास्ट प्रोग्रेस होता है, yes। और दूसरा जो ब्लड कैंसर का टाइप है, जो क्रॉनिक ल्यूकीमिया बोलते हैं या क्रॉनिक ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो आज हम कीमोथेरेपी के कारण स्पेशली बच्चों में जो ब्लड कैंसर के प्रकार जो देखते हैं, उसमें करीबन 80% तक हम पेशेंट्स को कंप्लीट क्योर कर सकते हैं कीमोथेरेपी के कारण। जी, अगर हम क्रॉनिक ब्लड कैंसर की तरफ जाएं और देखें, तो जो पहले कैंसर ट्रीटेबल नहीं थे, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं थी, तो आज जो नए टारगेटेड जो थेरेपीज आई है, उसने क्रॉनिक ब्लड कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। जी, और हम ये देखते हैं कि ब्लड कैंसर आजकल डायबिटीज जैसे हुआ है कि आप गोलियां लेते रहो और स्वस्थ रहो लेकिन डायबिटीज जाता नहीं, लेकिन ये जो है ये जाएगा, ब्लड कैंसर शायद नहीं जाएगा, लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, दवाई लेते रहो वो कंट्रोल में रहेगा। बिल्कुल, हम तो ये चाहते कि किसी को कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए, मगर ये हमारे चाहने से नहीं होता, बल्कि आप लोगों ने अपने दिल पे लेना चाहिए। और ऐसे नशे से, ऐसे जैसे सिगरेट, तंबाकू, खर्रा, गुटखा,
और मावा आदि ये जो जानलेवा जो पदार्थ है उनसे दूर रहना होगा, तब कहीं हम कैंसर से निजात पा सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं कि इन लोगों का मैं BCN पूरे दर्शक आपके ऊपर में फक्र महसूस करते हैं, अभिमान है, गर्व है, क्योंकि आपके जो कामकाज हमने कोरोना काल से लेके उससे पहले भी हमने आपको देखा है। मैं फिर से एक बार डॉक्टर प्रफुल्ल चांदे साहब आपके पास आना चाहूँगा और मेरा आपसे यही सवाल है कि जब आप जन जागृति के स्तन कैंसर कैसा होता है इसके लक्षण आपने बताया, लेकिन कारण क्या होता है, और जब आप जन जागृति के काम का जब मतलब शिविर जो आयोजित करते हैं तो कौन कौन से किस प्रकार के रोगी पाए जाते हैं? देखिए मीरे साहब, ये जो सवाल है बहुत सही है। हमने अब तक जो सुना कि तंबाकू 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 बदनाम है ना, मेल्स में वो आदत होती है, पुरुषों में आदत होती है, महिलाओं में भी है, कम है। तो आपको मैं यही बता रहा हूं कि तंबाकू का और स्तन कैंसर से कोई भी संबंध नहीं है। बड़े दुर्दैव की बात है कि स्तन कैंसर होने का किसी भी प्रकार का कोई ठोस कारण नहीं है कि अमुक अमुक कारण से या अमुक अमुक शौक पानी होने से स्तन कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है। उसका कुछ ठोस कारण नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे घटक है या ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से स्तन कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। स्तन कैंसर होता ही है ऐसा नहीं मैं बोल रहा, स्तन कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है, ऐसे कुछ घटक है, ऐसे कुछ फैक्टर है, ऐसे कुछ जोखिम भरे कुछ घटक है। तो उसमें है बढ़ती उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ेगा। फिर है जेनेटिक म्यूटेशन, अभी हम कोरोना काल में सुन रहे हैं ना, जेनेटिक म्यूटेड हो रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है, तो जेनेटिक म्यूटेशन। उसके बाद आता है पारिवारिक हिस्ट्री, पारिवारिक इतिहास। कुटुंब में अगर माँ को, मौसी को या बहन को स्तन कैंसर है तो उस महिला को स्तन कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है। उसके बाद रिस्क फैक्टर है कुंवारी महिला जिसने शादी ही न की हो, लेकिन शादी की है लेकिन जिसको बच्चे नहीं हुए हैं, जिस महिला ने स्तनपान बराबर नहीं किया है, 6 महीने तक स्तनपान ढंग से नहीं करवाया है, जो महिला मोटी है ओबेसिटी या जो महिला चर्बी युक्त पदार्थ ज्यादा खाती है, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स है। इन फैक्टर की वजह से स्तन कैंसर होने का खतरा रहता है। अब आप सोचिए, इनमें से बहुत सारे फैक्टर महिला के नियंत्रण में नहीं है, उम्र बढ़ना ही है, जेनेटिक्स, मैं किस फैमिली में जन्म लूंगा ये मेरे हाथ में थोड़ी है, खाली है कि भैया लाइफस्टाइल हेल्दी हो, वजन मेंटेन करे, अपना वेट कंट्रोल में रखे, नियंत्रण में रखे, शारीरिक व्यायाम करे जी, ये मैं बोल सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दिया कि जैसे बढ़ती उम्र हो, मोटापा हो, या जो महिला स्तनपान नहीं कराती। चांदे साहब, ये भी एक देखने में लिए आया, क्योंकि मैंने 2-3 आर्टिकल भी पढ़े थे और कई इंटरव्यूज में भी ये देखने के लिए आया कि जब किसी सिनेस्टार अभिनेत्री जो होती है, हीरोइन जो होती है, उनकी जब वो शादी करती नहीं है, और जब शादी करती है तो बच्चे को किसी आया के पास रखती है या ऊपर का दूध पिलाती है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर मैं मेरे बच्चे को अपना स्वयं का दूध पिलाऊंगी, स्तनपान कराऊंगी, तो मेरे सौंदर्य में निखार नहीं आएगा, मैं कहीं बूढ़ी दिखना होगी। बोल रहे मुरे साहब, वही बात है। तो क्या ये बराबर है? हम जो वेस्टर्न कल्चर का जो अनुकरण कर रहे हैं पाश्चिमात्य देशों का, स्तनपान न कराना या फिर ये सोचना कि शादी लेट करना, करियर के पीछे भागती है आजकल की लड़कियां, है ना, करियर के पीछे भाग रहे हैं, शादी लेट हो रही है, शादी लेट हो रही है तो बच्चे न होना इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वापर रही है, या फिर ओबेसिटी के बाद मीन्स मेनोपॉज के बाद रजोनिवृत्ति के बाद हार्मोन्स पूरे बंद होते हैं तो हार्मोनल पिल्स लेती है एडिशनल, ये सब रिस्क फैक्टर है। तो ये सब यानी महिलाओं में शायद कारणीभूत है स्तन कैंसर होने में। बहुत अच्छी। और एक बात है कि जिस महिला में, जिस लड़की में जो पीरियड शुरू होने की उम्र है, वो 10 साल के पहले अगर पीरियड शुरू होते हैं और मेनोपॉज रजोनिवृत्ति 50 साल के बाद होती है, तो उस महिला को भी स्तन कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। होता ही है नहीं, लेकिन खतरा ज्यादा होता है, ये मेरा बोलना है। बिल्कुल डॉक्टर प्रफुल्ल चांद साहब, आपकी जो बात है हमारे महिला दर्शक गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे, और आपकी बातों का काफ़ी अच्छा उनके ऊपर में असर होगा
क्योंकि आपने जिस प्रकार से उनमें उनका जो नॉलेज बढ़ाया है, हमारी जो महिला जो दर्शक है गौर से देख रही है, महिलाओं हमारे दर्शकों, आपको जिस प्रकार से डॉक्टर प्रफुल्ल चांद साहब ने इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, स्तन कैंसर क्यों होता है ये बताया है। अभी यदि आपने ये जो सब चीज़ें बताई है और ये अगर कुछ आप में दिखाई देती है तो फौरन आप डॉक्टर प्रफुल्ल चांद साहब या फिर रीजनल कैंसर अस्पताल तुकड़जी चौक पर है वहाँ जाके जरूर जरूर इलाज करवाइए और अपने जीवन को अच्छे से समृद्ध बनाइए, सुजलाम सुफलाम बनाइए, जीवन को संवर्धित करें, मजबूत बनाइए। जाते जाते मैं मेरे तीनों मेहमान डॉक्टर्स को, अगर हमारे लाखों दर्शक इस समय में आपको गौर से देख भी रहे सुन भी रहे, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ये MP में दिखता है, पंजाब में दिखता है, विदर्भ में दिखता है, अखबार के जरिए हर कोई दिखता है और पूरे भारतवर्ष दिखता है। तो सप्रे साहब, काने साहब और चांदे साहब, आपको समय है कि आप हमारे दर्शकों को क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे, तीनों एक एक। सप्रे साहब, मैं यही मार्गदर्शन करना चाहूँगा कि शरीर में अगर कुछ भी आपको छाला फोड़ा, चांदे साहब ने जैसे बताया गांठ या अनियमित स्त्राव, आवाज़ में बदल हो गया, कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा है कि 15 दिन 1 महीने से आपको डिस्टर्ब कर रही है, डॉक्टर के पास जाइए, तुरंत चेकअप कराइए। क्योंकि चेकअप से 2 फायदे होते हैं, अगर हमें पता चलता है कि बीमारी नहीं तो डर निकल जाता है, और अगर बीमारी पता चलती है तो इनिशियल स्टेज में अगर बीमारी पकड़ी जाती है तो कम से कम खर्चे में, कम से कम मेहनत में आपका शरीर जो भगवान ने बनाया वो पूरा का पूरा स्वस्थ रहता है। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। बिल्कुल डॉक्टर सप्रे साहब, SB सप्रे साहब ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। मैं काने साहब, यदि आप मार्गदर्शन करना चाहो हमारे दर्शकों को तो क्या, किस प्रकार का मार्गदर्शन करोगे आप? अगर किसी को कैंसर डायग्नोस होता है तो डरिए मत, अभी हर एक कैंसर के लिए कुछ ना कुछ तो भी अच्छा इलाज अवेलेबल है। और अगर आप आपके डॉक्टर के साथ अच्छे से कोऑपरेट करोगे इलाज के लिए तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट उसमें से मिलेगा। ये कहा जाता है कि 1/3 जो कैंसर से वो प्रिवेंटेबल है। अगर 1/3 कैंसर्स अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट होते हैं तो वो कम्प्लीटली क्यूरेबल है। और जो बचे हुए 1/3 जो कैंसर है उसके लिए भी आज बहुत सारे इलाज अवेलेबल है। ऐसा बोलते हैं कि यू कैन हैव गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इवन आफ्टर यू आर डायग्नोज विद कैंसर। एग्जैक्टली, काफ़ी अच्छा जानकारी आपने भी दिया, मार्गदर्शन किया है। मैं कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर प्रफुल्ल चांदे साहब, आप क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं हमारे तमाम महिला दर्शकों को? हाँ, मेरे साहब मैं ये बोलना चाहूँगा, टेक होम मैसेज ये है कि कैंसर ये शब्द भयावह है, कैंसर ये एक शब्द है, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये सल्फ विराम है। कैंसर यानी मौत, ये जो हम सुनते थे ये ऐसा नहीं है। प्राथमिक अवस्था में कैंसर पूरी तरह से ठीक होता है, कैंसर से डरे नहीं, कैंसर के जो लक्षण हैं वो ध्यान में रखें, सजग रहे, अपने शरीर के प्रति सजग रहे और कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से लड़े, तो जीत निश्चित आपकी होने वाली है और आप कैंसर को हराओगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर प्रफुल्ल चांद इन्होंने दिया, मार्गदर्शन किया। मैं कार्यक्रम के अंत में फिर से एक बार दर्शकों को आपको बता दूं कि 141,000 कैंसर पाए गए हैं, 2025 में 11.2% मात्रा बढ़ने वाली है। ये भी एक चिंता का विषय है, मगर चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर की टीम हमारे पास है जो काफ़ी अच्छा कामकाज कर रही है। मैं मेरे doctor.com इस कार्यक्रम में मैं तीनों डॉक्टरों का, डॉक्टर सप्रे साहब, डॉक्टर चांदे साहब, डॉक्टर श्रीराम काने साहब, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो आज आप हमारे चैनल में आए, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। तो दर्शकों, डॉक्टर इस कार्यक्रम में ये थे हमारे तमाम मेहमान, अगली बार हम फिर और किसी डॉक्टर से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते हैं BCN News नागपुर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।